रुपया। ऊपर में दिखाता हूँ भाई, ये चीज़ें चेक कीजिए, ज़बरदस्त क्या लाइटिंग है भाई। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत भी है, आप लोग देखिए ध्यान से इसको, ये देखिएगा इधर भी देख लीजिएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है अभी देखने को मिल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आप लोग देखिएगा, ये आप लोग देख पाइए, बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है भाई देखने में। ये देखिएगा इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है यार, अगर आप लोग, जबरदस्त लग रहा है भाई देखने में, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में धर्मपथ का नाइट व्यू दिखाने वाले हैं कि दीप उत्सव को लेके क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे कैसे किया जा रहा है, पूरा बिल्कुल डिटेल में दिखाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर दिखेगा, चलिए दिखाना स्टार्ट। देखिएगा दोस्तों ये है पुराना वाला सरयू पुल जिसमें जो है डेकोरेशन के काम किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो है वो पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, तो इधर देखिए पूरा मार्ग बंद कर दिया गया है। और मुझे इधर दिखाऊँ तो ये देखिए भाई जबरदस्त डेकोरेशन इधर जो है किया गया है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से भाई बनाया गया है। और ये हर वर्ष से अब की बार ये कुछ अलग किया गया है और बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये आप लोग देखिएगा, ये आप लोग देख पाइए, बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है भाई देखने में। ये देखिएगा और पूरे धर्मपथ पे बहुत ही अच्छे से जो है डेकोरेशन किया गया है, पूरा आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बस इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, पूरा अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ के जो कुछ लोग आके रुके हुए हैं राम की पैड़ी पे यानी दीप उत्सव देखने के लिए, वो जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो है सजावट वगैरह का काम चल ही रहा है, अभी देखिए ये आधी लाइट इधर ऑन है आधा नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो है कनेक्शन वगैरह बाकी है, सारी चीज़ें जो है की जा रही हैं। इधर जो है राम की पैड़ी है, मैंने ब्लॉग अपलोड किया है, आप लोग जाके देखिएगा, काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ें अपडेट की जा रही है, मैंने आपको दिखाया भी था। और ये देखिएगा अभी अभी आगे देखिए इधर भी काम चल रहा है, ये पूरा रेलिंग जो है लगाई जा रही है इधर, ताकि लोग जो है उस साइड के इस साइड पर ना आ पाए। और आगे की देखिए भाई लाइटिंग का भी ज़बरदस्त है, इधर चलते आपको ये पूरा हम दिखाते हैं कि ये कैसे जो है इधर जो है सजावट वगैरह किया जा रहा, पूरा धर्मपथ दिखाएंगे। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरीके से ये देखिए डेकोरेट किया गया है, इस पॉइंट पे आप लोग दिखेगा काफ़ी जो है खूबसूरत तरीके से। इधर जो है पूरा राम पैड़ी का मैंने ब्लॉग अपलोड किया ही है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ये दिखेगा ऊपर में दिखाता हूँ भाई, ये चीज़ें चेक कीजिए, ज़बरदस्त क्या लाइटिंग है भाई। ये देखिए दोस्तों अभी साइड भी दिखेगा, पूरे इधर भी देखिए लाइटें बिल्कुल लग चुकी हैं, पूरा लता मंगेशकर चौक तक, और साइड में जो इधर भी लगी हुई है, तो दिखाते हैं आपको एक बार। ये देखिए भाई ज़बरदस्त, ये आप लोग देखिएगा कितना भाई खूबसूरत लग रहा है नाइट में देखने में। ये देखिए जितना यहाँ के लोकल के लोग हैं सब जो है आ रहे हैं घूमने के लिए और लाइटिंग वगैरह देखने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि कल से जो है बिना पास के राम की पैड़ी पर एंट्री नहीं है, यहाँ पर तो इजिली घूम सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर जो है एंट्री नहीं रहेगी। ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। अब इधर भी देखिए, इधर भी जो है पूरी लाइटें लग गई हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से। ये देखिए भाई बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। ये देखिएगा दोस्तों ये भाई देखिए साफ़ सफाई जो है किया जा रहा है, आप लोग देख पाइएगा। ये देखिए भाई क्योंकि अब टाइम बिल्कुल पास आ गया है और सारी चीज़ों का जो है ध्यान देना है, साफ़ सफाई हो गया और हर चीज़ का। ये देखिए और इतना अच्छा भाई ये लोकेशन ये चीज़ें बना दी गई हैं कि लोग जो है फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर क्लिक करवाते हैं यहाँ पे आके। ये देखिए इधर का भी काफ़ी ज़बरदस्त भाई व्यू लग रहा है देखने में। ये तो हर साल किए जाते थे, इस साइड पे लाइटें लगाई जाती थी दोनों साइड पे, लेकिन अब की बार ये चीज़ें जो है यूनिक किया गया है, ये चीज़ें काफ़ी यूनिक किया गया और काफ़ी अच्छा ये लग भी रहा देखने में, ये आप लोग देख पाइएगा। ये देखिएगा भाई अब इधर देखिएगा इस मार्ग को भी जो है चौड़ा कर दिए हैं, तो लोगों को जो है पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है, इजीली जो है पार्किंग वगैरह कर पा रहे हैं। अभी देखिए ये लाइटिंग के ही काम चल रहे हैं अभी इधर, जो कि पूरा कंप्लीट कर रहे हैं जितना भी चीज़ें हैं। ये देखिए इधर इस पॉइंट पे देखिएगा, इधर भी अभी लाइटिंग लगेगी, ये बीच में जितना चीज़ें गैप किया गया है। आगे जो है लता मंगेशकर चौक है वहाँ तक आपको चलिए हम दिखाते हैं, उसके बाद जो है धर्मपथ पूरा दिखाएंगे बिल्कुल प्रवेश द्वार तक कि कैसे जो है चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है और चीज़ों को डेकोरेट वगैरह किया जा रहा है। ये देखिएगा भाई इधर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है यार, अगर आप लोग अयोध्या दीप उत्सव में आना चाहते हो तो अभी आइए, अभी शेष के दो दिन बचे हुए हैं, बिल्कुल आइए, आपको भी जो है दीप उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, करीब 7 बजे तक, इतनी टाइम तक जितनी टाइम तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ करीब 7 बज रहे हैं, तो इतनी टाइम तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप इजिली एंट्री कर पाओगे और जो है दीप उत्सव में भाग भी ले पाओगे।
ये देखिए काफी प्यारा व्यू है भाई, ये देखिए, ये देखा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग लगा दिए हैं कि ये ज़्यादा भीड़ ना लगे, लोग जो है एक एक करके आ जाएं। ये देखिए अभी जो है बाइक को भी रोक रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए अभी इधर जो है बाइक वालों को भी नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि काम चल रहा है आगे। आपको मैंने दिखाया था कि सरवी पुल पर जो है काम चल रहा था, इसकी वजह से जो है लोगों को इधर से नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि आगे तो कोई मार्ग है नहीं कि वहाँ से कहीं भी निकल पाएंगे उसकी वजह से। अब ये दिखेगा सामने है लता मंगेशकर चौक, इधर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर भी जो है दिए वगैरह यहाँ पर भी जलाए जाते हैं, डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें किया जाता है। ये देखिए ये है लता मंगेशकर चौक, ये देख पाइएगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाई यहाँ पर रहती है, दिन में भी आप आ रहे हो या फिर रात में, आपको ऐसे माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सामने है दोस्तों धर्मपथ मार्ग, और इधर मैं आपको चलिए एक बार दिखाता हूँ। इधर की जो है लाइटें वगैरह काफ़ी खूबसूरत तरीके से भाई लगा उठी हैं, लगा दिया गया है, और हम दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों जैसे कि दीप उत्सव है तो सिक्योरिटी भी बढ़ चुकी है, और बाइक के लिए मैं आपको बता दूँ इधर जो है एक बनाया गया है पार्किंग की व्यवस्था, तो यहीं पर ला के आप बाइक पार्क कीजिए। आपको थोड़ा सा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी बाइक जो है सेफ रहेगी, तो आप वो चीज़ें देख कर ही काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों सामने धर्मपथ मार्ग का भाई खूबसूरत नज़ारा, और पूरा धर्मपथ आपको दिखाते हैं। इस पर इसके भाई जितना डेकोरेशन इस पर किया गया है अकेले इस मार्ग पर, उतना बोल सकते हो राम की पैड़ी पर किया गया है। अब की बार बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अपडेट किए गए हैं। इधर देखिएगा, अभी देखिए ये देखिए अभी कुछ कार्य चल रहा, रात में भी काम कर रहे हैं। इधर मैं आपको दिखाता हूँ फुटपाथ से, तो आपको चीज़ों को अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये दिखेगा, ये यहाँ पे स्टेज लगाया गया है और ये LED पैनल्स लगाए जा रहे हैं जिसमें जो है वीडियोस वगैरह चलता रहता है। ये देखिए, और ये है फुटपाथ एरिया। यहाँ पर देखिए हर एक पोल्स में इस तरीके से लाइट लगाई गई है, वो इसलिए क्योंकि जो है इसे स्तंभ पर पड़ेगी तो एक अच्छा खासा खूबसूरत भी दिखेगा। ये देखिएगा अभी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर जो है बीच बीच में लाइटें लगा दी गई हैं, ये देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे लाइट लगी हुई है, तो ऐसे से जो है लाइटें लगाई गई हैं। अभी तो फिलहाल बंद कर दिए, अभी जस्ट ऑन किए थे, अभी तो बंद है, आगे की लाइटें ऑन है। अभी चलते हैं, हम आपको आगे पूरा दिखाते हैं पूरा प्रवेश द्वार तक कि कैसे जो है ये व्यू रहता है और कैसे जो है चीज़ों को किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो LED पैनल्स लगाए गए थे, देखिए इसमें जो है वीडियो चलना स्टार्ट हो गई है। कुछ इसी तरीके से ये चलेगा दीप उत्सव के दिन। अभी जो है टेस्टिंग पे सारी चीज़ें चल रही हैं, ये दिखेगा, और ये है कुछ अभी धर्मपथ का व्यू, ये आप लोग देख पाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जो है व्यू लग रहा है अभी देखने में। ये आप लोग देखिएगा, अभी जो है कंटिन्यू काम चल रहे हैं क्योंकि अभी चीज़ें पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है, जो लाइटें वगैरह पूरा लगानी थी। ये दिखेगा अभी बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा है, पूरा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जितने भी लोग आ रहे हैं सब फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। ये दिखेगा, और ये देखिए भाई नाइट का व्यू क्या लाजवाब लग रहा है। मैंने बहुत दिन से मैं बोल रहा था कि नाइट के व्यू आपको जल्द से जल्द दिखाऊंगा, और ये है पूरा नाइट के व्यू, देख लीजिए धर्मपथ का। अभी देखिए कंटिन्यू देखिए काम भी चल रहा है रात्रि में भी, और ये काम चलता रहता है लगभग। ये देखिए, और जैसा कि मैंने बताया था कि धर्मपथ पे भी जो है लेजर्स लगाए गए हैं, तो ये देखिएगा लेजर्स की जो है अभी टेस्टिंग चल रही है। ये देखिए अभी देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए दोस्तों पूरा टेस्टिंग के भी किया जा रहा है, और पूरा जो है लेजर ऑन करके जो है चेक किया जा रही है। ये देख पाइएगा, ये देखिए भाई, तो कुछ इस तरीके से आपकी बार दिखने वाली है दीप उत्सव में अयोध्या, जिसका भी देखिएगा ये पूरा जो है वर्क किए जा रहे हैं। ये देखिए अभी देखिए पूरा वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है, जो इधर रेलिंग लगाई जा रही है उसका काम है, और जगह जगह पे जो LED पैनल्स और साथ में स्पीकर्स लगाए गए हैं वो जो है बिल्कुल ऑन है। ये देखिएगा, अभी आपको प्रवेश द्वार भी दिखाएंगे तो वहां पे और भी खूबसूरत नजारा जो है अभी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, और इधर भी दिखेगा ये पैनल्स लगाए गए हैं। ये देखिए, ये देख पाइएगा बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आगे देखिए ये लेजर्स ऑन है जो कि चल रहे हैं पूरा। ये देखिए अभी देखिएगा ये माइक लगा दिए गए हैं जो हॉर्न है बड़े बड़े, और ये भी चलाए जाएंगे दीप उत्सव के दिन।
ये देखिए अभी देखिए इधर काम चल रहा पूरा भाई, पूरा मार्ग आप देख पाएगा कितना खूबसूरत लग रहा देखने में। ये देखिए अब देखिए दोनों साइड पे आपको देखने को मिलेगा लेजर चल रहे हैं, देखिए ये जो बीच में लगाए गए हैं और दोनों साइडों पे जो है वो भी, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए ये देखिए दोस्तों अब आगे जो है वो सतरंगी पुल है, यहाँ पे जो है कुछ रंगोली वाले लाइटें लगाई गई हैं जो कि लेजर्स हैं, अभी दिखाते हैं हम आपको। चलिए सतरंगी पुल तक चलते हैं, ये देखिए सामने सतरंगी पुल है, ये देखिए अभी तक देखिए जो लोग आए हैं बाहर से वो रामलला का दर्शन करके और उसके बाद राम की पैड़ी पे जो है शो देख के अब जो अपने घर की ओर जाएंगे या फिर जो रूम वगैरह लिए होंगे वहाँ पे जाएंगे। ये देखिए ये देखिए ये है दोस्तों सतरंगी पुल और यहाँ पे जो है देखिए लाइटें ऑन की गई हैं कि नहीं, ये देखिए दोस्तों इधर वो दोस्तों उस साइड पे जो है वो कुछ लाइटें ऑन की गई हैं, चलिए आपको उधर हम दिखाते हैं, ये देखिएगा उस साइड पे। ये देखिए दोस्तों सतरंगी पुल के नीचे आ गए हैं और यहाँ पर देखिए भाई काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये देखिएगा भाई ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से जो है इसको बनाया गया है। इधर देखिएगा ये ऊपर जो ये लेजर्स लगाए गए हैं यही जो है वो डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ इस तरीके की जो है रंगोली निकल के आ रही है। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत भी है, आप लोग देखिए ध्यान से इसको, ये देखिएगा इधर भी देख लीजिएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है अभी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए इधर भी मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जितने भी भाई ये लेजर्स लगाए गए हैं यहाँ की भाई खूबसूरती बढ़ा दिए हैं। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, ये देखिएगा अब इधर जो है धर्मपथ का डेकोरेशन जो किया गया है वो चीजें आपको चलिए दिखाते हैं। इधर आप लोग देख पाएगा दोस्तों इधर देखिए ये लाइटें अभी बंद किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई ये टेस्टिंग के काम चल रहे हैं तो चेक किया जा रहा है कहाँ की लाइटें ऑन है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो चीजें, जैसे कि इधर देखिएगा ये जो एलईडी पैनल्स लगाए गए हैं। अभी देखिए दोस्तों वहाँ पे जो लाइटें लगाई गई है देखिए ऑन हो चुकी है, अच्छा लग रहा भाई देखने में ये। अभी देखिए पूरा काम चल रहा है कंटिन्यू, रात में भी काम चलता है, जल्द से जल्द इसको कम्प्लीट करना है क्योंकि अब जो है टाइम नहीं बचा हुआ है। और ये है दोस्तों सामने प्रवेश द्वार, चलिए अभी वहां पे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा ये देख पाएगा दोस्तों ये एक जगह पे यहाँ पे भी लगाई गई है एलईडी पैनल्स, ये देखिएगा ये तीनों साइडों पे, ये देखिएगा जबरदस्त लग रहा भाई देखने में, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। और ये है पूरा सूर्य स्तंभ, अभी बीच के जो लाइटें हैं वो बिल्कुल बंद की गई हैं क्योंकि वे चेकिंग वगैरह कर रहे हैं इसका, और सामने ये है सूर्य स्तंभ यानी प्रवेश द्वार आप देख पाइएगा आप लोग, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों पूरा धर्मपथ का पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको दिखा दिया, बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।